फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्वादिष्ट खाना रोज बनाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया चिली। बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम सोया चंक्स, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था गर्म पानी में। आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम सोया चंक्स का पानी निचोड़ लेंगे और इसे एक अलग बर्तन में रख लेंगे। आप देख सकते हैं बिना बॉईल हुए भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच बेसन। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। सबको हमने अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, जिसमें मैंने डाला है आधा कटोरी तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम अपना सोयाबीन फ्राई करेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे तलना है। फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी के चंक्स को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे सोया चंक्स फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, गैस का फ्लेम अभी मीडियम रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन। आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्च जैसे लंबे शेप में कट के। हमें इन सबको हाई फ्लेम में भूनना है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो सॉस। लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच हमें इसमें सॉस ऐड करना है। 1 चम्मच सोया सॉस। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च घोल लिया है पानी के साथ, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ सोया चंक्स डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। सोया चिली अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। गैस को बंद कर लेंगे। आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारा सोया चिली रेडी हो गया। खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।